I'm so relaxed. कि फाइनली प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा तो सारा हेडेक ही दूर हो गया, है ना? अदरवाइज आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि मुझे समझ नहीं आ रही। हेलो, अच्छा मैडम, वो बहुत दर्द हो रहा है मच्छू। भगवान, कितना लगा सर जी आपको, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे वो मैं रास्ते से जा रहा था और एक कार। कार? किसकी कार? कैसी कार? कौन सी कार सागर जी? कौन चला रहा था वो कार सागर जी? उसका नंबर दीजिए मुझे। पर मही, ऐसे एक्सीडेंट के वक्त सागर भैया ऐसी कार को रोक के ड्राइवर को बाहर निकाल के उसका फोन नंबर कैसे मांग सकते हैं? गाड़ी के नंबर की बात कर रही हूँ भाभी। ओके तो कंटिन्यू। ओके थैंक्स सागर जी, मुझे ना उस गाड़ी का नंबर दीजिए, उसकी गाड़ी को चूर चूर ना कर दूं और उससे गाड़ी चलाने वाले को सीधा ना कर दूं ना, तो मेरा नाम भी मही मेहता नहीं। अरे नहीं नहीं मही, तो मेरी बात तो सुनो, वो गाड़ी चलाने वाले की कोई गलती नहीं थी। अरे वो तो मैं रोड क्रॉस कर रहा था और सामने से वो क्या वो मतलब क्या सागर भैया? वो मतलब आ आ आ आ आ आ वो क्या याद दस दे आओ सागर जी। सागर जी मैं कौन? मैं हूँ। अच्छा याद चलते बताओ सागर भैया, वो ऐसे ऐसे कैसे हुआ था? वो बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, करीब 7 साल की होगी बच्ची, छोटी बच्ची, रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, चल के आ रही थी और गाड़ी सामने से आ रही थी। मैंने उस बच्ची को देखा तो मैं दौड़ के गया और बच्ची को धक्का दे दिया और मैं गाड़ी के सामने आ गया। ओहो सागर जी, आज तो आपने अम्बे माता के दूध बनकर उस छोटी सी बच्ची की जान बचा ली पापा। अम्बे माँ ने आपकी जान बचा ली, वही बहुत है, और क्या चाहिए पापा? चलो अच्छा है, मही ने एक्सीडेंट के बारे में और कुछ नहीं पूछा। बाल बाल बच गए। अच्छा सागर जी, वो छोटी सी बच्ची का क्या हुआ? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना पापा? पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। पता नहीं सागर जी, आपने जिस छोटी सी बच्ची की जान बचाई उसका क्या हुआ, ये आपको जानना चाहिए ना? तो बच्ची वो मुझे बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर आ रही है, नींद भी आ रही है। लगता है सागर भैया सो गए। अच्छा सो जाइए, बच्ची के बारे में बाद में पूछ लेंगे। नो हरी, एक्सक्यूज मी। हाँ नहीं, वो तो सो गए। अरे कहाँ है सागर? अपने रूम में। हे भगवान, हे भगवान, सागर, हे भगवान, ओ माय गॉड, कितना लगा है तुम्हें? हे भगवान, डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही ना? मुझे मिली का फोन आया, वो सॉरी फील कर रही थी, उसने कहा कि उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। क्या 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 सासुमा? मिली ने कहा कि एकदम फिल्मी हीरो की तरह सागर ने उसकी जान बचाई। वो कुछ फोन पे बात करते करते रोड क्रॉस कर रही, सामने से अचानक गाड़ी आई तो सागर ने मिली को धक्का दिया और उसकी जान बचाई। ऐसा ही कुछ हुआ ना सागर बेटा? अच्छा, मतलब वो 7 साल की छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची, वो नाटक वाली दुल्हन थी सागर जी। वेरी बैड, वेरी बैड। अगर आपको कुछ हो जाता सागर जी तो इस असली वाली बीबी का क्या होता? ये आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा? मही मेरी बात तो सुनो। एक मिनट मही, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था ना कि सागर भैया ने तो बहुत अच्छा काम किया है ना?
हाँ भाभी, अगर छोटी बच्ची की जान बचाई होती ना तो इस चमक चलो के लिए नहीं। बड़ी आई चमक चलो, अरे वो इतनी छोटी थोड़ी ना है कि अकेले रोड क्रॉस नहीं कर सकती है सागर जी। मैं एक आप तो बोले मत सागर जी, आज तो मैं ही बोलने वाली हूँ। उस मिली पटेल को ना नानी याद ना दिला देना तो मेरा नाम भी मही मेहता नहीं। अरे मही, ये क्या कर रही हो? फोन वापस रखो मही। मही तुम उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती सासुमा? अरे ऐसे कौन से शास्त्र में लिखा है कि मैं मिली पटेल से बात नहीं कर सकती? आज तो मैं उस मिली पटेल को दिखाई दूंगी कि वो किससे पंगा ले रही है। उसकी नानी याद दिला दूंगी आज मैं। मही चलो चलो मही चलो मही, नानी क्या दादी मामी सब याद दिला दूंगी। जल्दी फोन लगाओ। अगर मही ने मिली मैडम को फोन कर दिया तो सारा बांडा फूट जाएगा। अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? करिया लाल फोन दो। दे दू? हाँ दे दो। टूट गया खेल खत्म। हाँ हाँ मस्त खेला मॉम आपने भी। मैं बोलती है फोन बन गया। अच्छा अच्छा फोन लिपेल तल दिए। ये लो अभी धूप लेते भाभी को फोन लगाओ। ओहो भाभी नहीं वीरा, डुप्लीकेट चुड़ैल कहो उसे। अच्छा तो ओरिजिनल कौन तुम? हाँ हाँ सासुमा, अब तो ना मैं उसका खून चूस कर ही रहूंगी। मैं मिली मैडम को फोन नहीं करना नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हे भगवान, मेरी इस बड़बोली बीवी को थोड़ी सद्बुद्धि देना प्लीज। मही मही, ओह माय गॉड, मही खोलो दरवाजा खोलो। हाय भाभी दरवाजा खोलो मत। कन्हैयालाल मही क्या कर रही हो? मही प्लीज देखो मिली मैडम को फोन मत करना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी प्लीज। मही मिली मिली मिल गई। हाय हाय मिली वन मिली टू मिली थ्री। ए मिली बहन आप कौन सी मिली बहन हो? अरे यार कृषि के फोन में तो कितनी सारी मिली बड़ी बड़ी है। मई देखो प्लीज ये बच्चों जैसी हरकत मत करो, थोड़ी सी अपनी अकल लगाओ, मेरी नौकरी खतरे में है यार। नहीं नहीं सागर जी, मैं तो आज मिली से बात करके रहूंगी बस। सागर अकल है ही नहीं तो इस्तेमाल कहां से करेगी? वो पैदाइशी डिफेक्ट है। उठाओ 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 मिली बहन, आज तो फोन उठा ही लो मेरा। मही फोन दो। सागर भाई, सागर भाई नहीं 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 सागर भाई नहीं। अरे छोड़ दीजिए कन्हैयालाल जी, देखिए छोड़ दीजिए मुझे। अरे मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ दो। हेलो सागर भैया, नहीं चोट नहीं आई, तुम भी एक बार गिर के देखो पता चलेगा। हेलो हेलो सागर, सागर सागर तुम ठीक तो हो ना बेटा? सागर तुम ठीक तो हो ना? मेरी कमर गई भगवान। कमल बांध दे तू दे। हाँ मिली बहन शांति रखो थोड़ा भी। स्ट्रॉन्ग विद सागर, वो फोन क्यों काट रहा है? सागर कहाँ लगा तुम्हें? मॉम मेरी कमर गई। एक बार और ट्राई करते। हेलो 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 आंटी, आंटी सागर ठीक तो है ना? इट्स फाइन डोंट वरी, और हम लोग हैं ना यहाँ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन आंटी, मैं ठीक हूँ आंटी।
मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि अरे उसमें बुरा लगाने की क्या बात है, जो होना था सो हो गया, चलो अब टेक केयर, ओके ओके आंटी, चल बाय। सॉरी सागर जी, अब यहाँ बैठी रहोगी कि जाके बाम ले आओगी? जा जल्दी बाम लेके उसके लिए। अभी लगे, अभी लगे। वान, वान सागर, यू ओके बेटा? नो नहीं, कन्हैयालाल हाथ दो। हाँ, अरे इधर आओ, उसको उठाओ। वान, टूटा हुआ है। अरे कन्हैयालाल संभालो। ओ माय गॉड, अरे किधर हाथ लगा रहे हो, किधर हाथ लगा रहे हो? तमल तमल, टूटी हुई है कमल, तमल भी टूट गई। कन्हैयालाल क्या कर रहे हो? कन्हैयालाल जी तो कहां से उठाऊं? अरे की आराम, आराम, और अच्छा बेटा सब दूध फूद दे, ये लीजिए सागर जी खाइए। कोई बात नहीं, मैं आपको खिलाती हूँ। सॉरी सागर जी, मेरी वजह से आपको फिर से चोट लगी ना, सॉरी। अरे कन्हैयालाल जी, आप गुलदस्ता कब से देने लगे? अरे मैं नहीं लाया हूँ, ये तो आपके लिए देते दे, और ये भी तालद। डियर सागर, गेट वेल सून, मिली पटेल। ले बोला, पहले चोट पहुंचाती है और फिर गुलदस्ता भेजती है, हैं? छमक छलो। अरे रे, मही ये लेके कहाँ जा रही हो? मही, अरे मही क्या किया तुमने, गुलदस्ता क्यों फेंक दिया? सागर जी, इतने छोटे से गुलदस्ते के लिए क्यों रो रहे हो आप? मैं ना आपके लिए फूलों का बड़ा सा बगीचा ला के दूंगी। हाँ, अरे फोन आ रहा है। किसका है? मिली मैडम का फोन है। अच्छा, वो स्पीकर वाले फोन मोड पे लगा है, स्पीकर वाले, मैं भी सुनूं जरा। ओहो ओके। हेलो मैडम। हेलो सागर, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फाइन मैम, आप कैसी हैं? आई एम आल्सो फाइन। यू नो व्हाट सागर, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम्स मैम, जो होना था सो हो गया। You know what? आज मेरी मॉम से लंदन में बात हुई और उन्होंने तुम्हें स्पेशल थैंक्स भेजा। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली सागर, मॉम तो मेरे पीछे पड़ गई, बोली कि अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। एक्चुअली यू नो, सब मॉम्स की तरह उनके पास भी फिलहाल कोई काम नहीं है, तो हमेशा की तरह पीछे पड़ी रहती है। लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि आपको और मुझे दोनों को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब जाके समझिए। Anyway, तुम ध्यान रखो अपना, take rest and get well soon. Okay, okay ma'am, you take care. Huh? Bye bye. I taking care. अरे क्या बात है? ऊंचा जो इंग्लिश इंग्लिश बूते बूते। किसका है? किसका है? अरे अरे मई फिर से, रुको मई। हो गई खुश? फेंक दिए सारे। अच्छे थे। रुको 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 मई, चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ये लो। अरे वाह, ताल ताल बुके आ गए, मत पर। बहुत बड़ा काम कर दिया। हेलो। हाँ 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 जो होने वाला है उसके लिए कह रहा था। क्या होने वाला है? खुद की तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद मिली मैम यहाँ आकर मेरी तबीयत देखने वाली है। आज शाम को 5 बजे वो हमारे घर आ रही हैं।
अरे मही ऐसे कैसे बोलूं मैं? मॉम इट्स सिंपल, देखो ऐसे फोन उठाइए, फिर फोन डायल कीजिए और बात कीजिए कि मिली घर पे मत आना प्लीज, सिंपल मस्त। सोनिया हाँ मुझे मालूम है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि अगर कोई खबर पूछने आता है तो उसे कैसे मना कर सकते हैं? मॉम अभी अभी सोनिया ने एक्टिंग करके दिखाया ना, सिंपल ऐसे। सोनिया भगवान के लिए चुप हो जाओ। भगवान के लिए मतलब? नो कुछ नहीं बोलोगी तुम, चुप। मही मिली आए तब तुम प्लीज अपने कमरे में छुप जाना। नहीं नहीं तुम्हारे कमरे में नहीं, तुम्हारे कमरे में तो सागर होगा, तुम मेरे कमरे में छुप जाना प्लीज। क्यों? मैं क्यों छुप जाऊँ ससमा? इस बार मैं नहीं छुपने वाली, मैंने कोई चोरी थोड़ी ना की है कि मैं छुप जाऊँ। ना 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 बस। अरे मही प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। बिल्कुल नहीं सागर जी, इतना तो समझ चुकी हूँ और कितना समझू। ना 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 सागर भाई, लोग पानी से हाथ धोते हैं लेकिन आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ सुन कन्हैयालाल, ऐसे नौकरी से हाथ कैसे धोते हैं? ये तो नौटली जो होती है ना। रुकिए रुकिए सोनिया भाभी, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, मैं आपको बाद में आराम से समझा दूंगा। ओके नहीं तो कन्हैयालाल जी समझा देंगे। हाँ मही तुम शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। ओके हाँ और अगर गर्म दिमाग से सोचा तो क्या होगा? भाभी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपके पैर भी पकड़ता हूँ। इट्स ओके इट्स ओके, आप प्लीज शांत रहिए, कुछ बोलिए मैं। ओके ठीक है। मही तुम्हारी जिद की वजह से सागर की नौकरी जा सकती है, प्लीज कुछ समझो। हाँ मही प्लीज समझो ना, अब मैं तुम्हें गोल्डन नेकलेस लाके दूंगा। हाँ हाँ क्या? हाँ गोल्डन नेकलेस सागर भैया? ओह माय गॉड सागर भैया, ऐसे सोनिया मही की एक्टिंग कर लेगी, अब सोनिया को गोल्डन नेकलेस दे दोगे? अरे भाभी मैं आपको दो गोल्डन नेकलेस लाके दूंगा। हाँ लेकिन अगर आप चुप रहेंगी कुछ बोलेंगे नहीं तो। हाँ ओके चुप। मही प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश। नहीं, नहीं 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 सागर जी, इस बार ना मैं आप लोगों के चंगुल में बिल्कुल नहीं फंसने वाली हूँ। आने दो उस छम्मक छल्लो को इस घर में, उस विदेशी बूटी की चटनी ना बना देना तो मेरा नाम भी मही मेहता नहीं। मॉम 5 बजने को आए हैं, मिली मैडम समय की बहुत पाबंद है, वो कभी भी पहुंच रही होंगी। हाँ इसी बात का तो टेंशन है। और ये मही कहाँ चली गई? मुझे लगता है मही कहीं भाग गई है, हम लोग उसे उसके कमरे में बंद ना कर देना इस डर से। I think you are right. और होगा ये कि जैसे ही मिली आएगी मही भी आ जाएगी और फिर भांडा फूट जाएगा। अरे नहीं नहीं मॉम ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जब तक मही यहाँ पहुंचे ना तब तक हम मिली मैडम को रफा दफा कर देते हैं। हाँ I think you're right. मिली मैडम। मही मही मिली नहीं देखती हूँ। वेलकम वेलकम, इतना कुछ होने के बाद भी तुम? अरे आंटी मुझसे ज्यादा चोट तो सागर को आई है और फिर वो गिर भी गए थे तो सोचा मिलकर आती हूँ। माय गॉड सागर को तो बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ और कमजोरी भी बहुत हो रही है और दवाइयों की वजह से इतनी नींद आती है कि क्या बताऊं। मैंने कहा सागर को, सागर बेटा सो जा, लेकिन ये कहता है कि नहीं मिली मैडम आ रही है 2 मिनट मिलके सो जाऊंगा। और उससे बात करते हैं तो सागर को इतनी तकलीफ होती है क्या बताऊं मैं मिली। अरे सागर तो फिर तुम बात क्यों कर रहे हो? तुम आई हो तो बात तो करेगा ही ना। नो प्रॉब्लम, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे तो लगा कि आपकी तबीयत खराब थी तो एक बार आ जाती, लेकिन बातें बातें तो बाद में होती रहेंगी, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं कुछ फ्रूट्स लाई थी तो प्लीज टाइम टाइम पे खाते रहना। आंटी आई एम सो सॉरी, लेकिन प्लीज किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद। थैंक यू
थैंक यू सो मच। अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। बाय 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 बाय। जम कुड़ी, जम कुड़ी आए कैसे? जय अम्बे मैम, ऐसे कैसे जाओगी आप? पहले जम कुड़ी के हाथ का प्रसाद करना पड़ेगा। हेलो, ओम पवित्रम 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 पवित्रम, थोड़ा पवित्र बराबर। मैडम, मैं इस घर की नौकरानी जम कुड़ी। चमकुड़ी,